ये आपको लगता है कि हिंदू वर्ग का वोट आपको मिलेगा? उनके मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखिए जितने भी नेता यहाँ, बारे में आपने जितने बात भी करी, नेता, उनके मुद्दे उठाए कभी आपने? जितने भी, मैं प्रतापगढ़ में मैंने कम से कम 5 दंगों को सुलह कराया, तो आपस में तय कराया, दंगे, दंगों में हाथ डालने की पुलिस को डर लगता है। मैंने कम से कम 5 दंगों को यहाँ पर सुलह कराया, दोनों पार्टियों को सामने बैठा कर आपस में भाईचारा बना दिया। मैंने प्रतापगढ़ में मैंने कम से कम 600 के आसपास, 600-700 के आसपास मुकदमे, आपसी जो झगड़े थे आपस के, चाहे ज़मीन के झगड़े रहे हों, चाहे क्रिमिनल झगड़े रहे हों, गोली चली रही हो, 307 के रहे हों, 300, उन झगड़ों को मैंने लोगों को आपसे सामने बैठा करके ख़त्म कराया। कचहरी से, प्रतापगढ़ से लगभग 700 मुकदमे मैंने ख़त्म कराया पिछले 15 साल में, कि मैं ज़मीन पर काम कर रहा हूँ। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ मैं जा करके 2-4 दिन जा करके सुलह करा के लोगों की प्रॉपर्टी के मैटर के मामले तय नहीं कराया हूँ। काम किया पिछले 15 साल से, इस डर से समाजवादी पार्टी मैदान छोड़ के भाग रही। अच्छा, हिंदू समाज वाले लोगों के बीच में आप क्षेत्र में वोट मांगने जाते हैं? मेरे बारे में किसी भी हिंदू समाज का व्यक्ति या किसी भी समाज का व्यक्ति कोई अंगुली इस तरह की नहीं उठा सकता कि ये आदमी फला मामले का दागी है। मैं काम करता हूँ, भलाई का काम करता हूँ।